हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। स्वागत है आपका आरएचएस क्लासेस के इस प्यारे से चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने 24th ऑफ दिसंबर को एक अनाउंसमेंट की थी कि हम 25 तारीख से क्या शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस। किसी वजह से 25 तारीख को ये क्लास शुरू नहीं हो पाई, इसलिए हम इस टॉपिक को आज से शुरू करेंगे। तो पहले तो इसके बारे में देखते हैं कि ये जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, इसमें आपको पता है कि 30% जो सिलेबस है वो माइनस कर दिया गया है ड्यू टू कोविड 19 की वजह से। तो सिलेबस माइनस हुआ है और क्या क्या पहले सिलेबस में आएगा, यानी कि तुम्हारे एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आएंगे और जो एग्जाम में नहीं आएंगे वो हम करेंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले कौन से करेंगे जो एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर में है यानी रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक है उसमें क्या है, उसमें कई सारे टॉपिक हैं। मेनली क्या है हमारा, संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, इसमें कौन कौन से टाइप्स आएंगे? सबसे पहला आएगा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक एंड तुल्यता संबंध, जो एग्जाम में आने वाले हैं। इन्वॉल्वमेंट 70% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो एग्जाम में आने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहला स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध एंड तुल्यता संबंध। अच्छा, दूसरा जो है इसमें टॉपिक वो क्या है, एकैकी फलन और आच्छादक फलन, यानी वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्जाम में कवर अप होंगे, जो एग्जाम में आने वाले हैं 2022 में। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारे इस टॉपिक्स में से यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से जो डिक्रीज हुआ है 30% में, उसमें इस रिलेशन का एंड फंक्शन का कितना योगदान है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस इन 30%, जो गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस क्या कर दिया है भाई, माइनस कर दिया है। किसकी वजह से? ड्यू टू कोविड 19। तो इसमें क्या हुआ है, 30% में कौन सा हटा है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, ये जो है वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले। और ये जो है ये सारे टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आने वाले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बात समझ में आई नहीं, यानी ये वाले जो टॉपिक है वो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं और ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले। जो गवर्नमेंट ने 30% डिक्रीज किया है उसमें ये तीनों टॉपिक क्या कर दिए गए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक में से हटा दिए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि पहला ही इसमें जो नाम है, रिलेशन क्या है। सबसे पहले चलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 11th का रिवाइज करते हैं, जो कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक था पहले एक ही पार्ट में आता था, अब क्या कर दिया है, कुछ पार्ट इसका 11th में डाल दिया गया और कुछ पार्ट 12th में। तो पहले थोड़ा सा 11th की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास दो ननपटी सेट, यानी कि लेट या माना हिंदी में लिखेंगे भाई, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड के वाले में आने वाला है इस साल, और सीबीएसई वालों के टर्म फर्स्ट में आने वाला था, जो कि आ चुका है टर्म फर्स्ट। आप जानते हैं कि टर्म फर्स्ट के एग्जाम हो चुके हैं, तो इस टर्म सेकंड में इसका कोई भी योगदान नहीं है, ये केवल और केवल किसमें आएगा, यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो ज्यादातर हम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन कहीं कहीं गलती से इसका प्रयोग हो जाता है, तो कृपया ध्यान रखें। ठीक है, माना
ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय। समुच्चय जानते हो कि नहीं जानते हो? किसे कहते हैं समुच्चय? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी एक वस्तुओं को सुसंगठित यानी कि अच्छे तरीके से क्रम से रखने वाले जो सेट है, यानी क्रम से रखते हैं उस संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। मान ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए में कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी तीन एलिमेंट लेते, एंड बी में कोई एलिमेंट है मान लीजिए 1 और 2। तो अगर मैं बात करूं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की यानी कि कार्तीय गुणन की, तो कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी लिख देता हूं मैं इसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? इसका मतलब क्या है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इसमें जो है पेयर आता है, किसमें पेयर आता है भाई? दो एलिमेंट का भी आ सकता है, अगर ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो भाई तीन एलिमेंट आएंगे, चार भी हो सकते हैं, एन टपल्स भी हो सकते हैं। टपल्स का मतलब क्या है भाई? यानी कि एन सेट के अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेते हैं तो वहां पे क्या आएंगे? उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे? एन एलिमेंट आएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एन टपल्स। तो यहाँ पे तो भैया क्या है? टू टपल्स है, यानी कि पहला जो एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा? यानी इसमें दो एलिमेंट के क्या बनते जाएंगे? पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? ए का, एंड सेकेंड एलिमेंट होगा किसका? बी का, यानी ए के साथ क्या आ जाएगा? 1, बी के साथ 1, सी के साथ 1, अच्छा अब किसके साथ? ए के साथ 2, बी के साथ 2, एंड सी के साथ 2। इसका मतलब क्या है भाई? यानी इस ए सेट में तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, ये क्या है सेट ए, अगर इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, अच्छा इसकी इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है? इसका मतलब क्या है कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है? ये बी के एलिमेंट होंगे, यानी कि ए की इमेज कहाँ बन सकती है? 1 पे बन सकती है, यानी कि 1, 1। ए की इमेज और कहाँ बन सकती है? ए की इमेज बन सकती है हमारी 2 पर, यानी कि 1, 2। आई कहीं बात नहीं, अच्छा बी की इमेज कहाँ बन सकती है? बी की इमेज भाई 1 पे भी बन सकती है और बी की इमेज 2 पे भी बन सकती है, यानी क्या हो जाएगा? b1 और b2। अच्छा c की इमेज कहाँ बन सकती है? c की इमेज हमारी 1 पे भी बन सकती है, c की इमेज 2 पे बन सकती है, यानी कि c1 और c2, यानी कि इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ कहाँ बन रही है? उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसे हम कहते हैं प्री इमेज, इसे हम क्या कहते हैं? प्री इमेज। और दूसरे जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं इसे डोमेन, इसकी बात हम बाद में करेंगे, डोमेन इमेज करा लो, इसे बोलते हैं हम इमेज, इमेज यानी इसे हम बोलते हैं इमेज, ठीक है? डोमेन यानी इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डोमेन। चलो यही लिख लेते हैं डोमेन, डोमेन को हिंदी में कहते हैं हम क्या? डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, ठीक है? डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत। इसमें क्या आता है? इसमें क्या होता है, यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पेयर्स होते हैं ना, उन पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के भाई पेयर्स होंगे, उस पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होगा वही क्या होगा? डोमेन होगा। यानी कि इसके डोमेन की अगर मैं बात करूं, इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या आ जाएगा भाई? इसमें पहले एलिमेंट क्या है? ए बी सी, जैसे रिपीट हो रहा है ए बी सी, यानी ए बी और एक सेकंड हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है? इसी सेट की अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा भाई? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए बी एंड सी, ठीक है? यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? डोमेन। एंड सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज। रेंज क्या होता है भाई? रेंज को हिंदी में बोलते हैं
ब्रिज को हिंदी में बोलते हैं परिसर या परासवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं परासवी बोलते हैं, ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं परिसर या इसको हम परासवी बोलते हैं। परिसर किसे कहते हैं, द सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किस में बजाएगा भाई, रेंज में, यानी कि इसमें क्या आएगा सेकंड एलिमेंट, 1, 1, 1, 2, 2 एंड 2, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी वो क्या होगी भाई, रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, रेंज में 1 एंड 2, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में डोमेन क्या हो गया एबीसी एंड रेंज क्या हो गई 1, 2। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या होगा, डोमेन होगा, एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो कौन होगा, रेंज होगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे, अब बात करते हैं रिलेशन। तो ये तो हो गया भाई बेसिक जो 11th में आया था, अब हम बात करते हैं 12th में जो आने वाला है। ठीक है, वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर 12th का पढ़ना है तो उससे पहले तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा 11th का, यानी कि दो चीज पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डोमेन एंड रेंज, यानी कि ये जो हमारा जो टॉपिक है वो 11th में बांट दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो क्या है रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं भाई, किसी भी रिलेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है भाई, किसी एक व्यक्ति का तो रिलेशन बताओगे नहीं भाई, किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, हमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में हम दो व्यक्तियों की जगह पर हम क्या लेते हैं, दो सेट लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा ए और बी दो हरेक समुच्चय है, हरेक समुच्चय का मतलब यानी कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, वो बिना एलिमेंट के नहीं है, हरेक का मतलब क्या है, जो रिक्त नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए और बी दो हरेक समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, ए एंड बी क्या है, वो नॉन एम्पटी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्पटी सेट्स, ए एंड बी दे टू नॉन एम्पटी सेट्स। तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करें, तब ए से बी का संबंध, ए से बी का संबंध आर है। अगर ए से बी का संबंध क्या है, हमने मान लिया ए से बी का संबंध दे रखा है आर, रिलेशन आर, तो वो किस तरीके से डिफाइन होगा, आर ए क्रॉस बी का, यदि यदि आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, समुच्चय है। यानी कि ये रिलेशन कब डिफाइन हो सकता है, यदि ये ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स रखता हो, यानी कि ए क्रॉस बी के ही कुछ एलिमेंट्स रखता हो, यानी ए क्रॉस बी का ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे सबसेट, और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट, यानी कि अगर कोई रिलेशन हमें ए से बी में डिफाइन करना है तो उसकी रिलेशन के जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसमें लाई करेंगे, यानी किसमें मिलेंगे, वो मिलेंगे किसमें, ए क्रॉस बी में, तभी वो रिलेशन डिफाइन हो सकता है, अगर रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता, यानी कि अगर ये रिलेशन है देन ये बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस बी में, यानी ये जो सबसेट होगा किसका होगा, ए क्रॉस बी का होगा। अगर हम बात करें सबसेट की, सबसेट क्या होगा, सबसेट अगर मैं बोलूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
मैथमेटिक्स सिंबल लिखता हूं। ए का सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है। यानी कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में होंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ले लिया हमने बी, तो ये जो ए होगा ना वो किस में लाई करेगा, वो बी में ही लाई करेगा। इट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का सबसेट कब हो सकता है, जब ए के सारे एलिमेंट किस में मिलने चाहिए, बी में मिलने चाहिए, तभी ए बी का सबसेट बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। क्या होता है रिलेशन, अगर ए से बी के रिलेशन की बात करें, कि ए से बी में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ये जो फंक्शन है, यानी कि रिलेशन है, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। लेट मैं यहां पे फॉर एग्जांपल आपको डिफाइन करता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। एंड अ रिलेशन फ्रॉम, अच्छा मैं इसको पहले दूसरे तरीके से बताऊंगा, अब मैथमेटिक्स का सिंबल यूज करेंगे। b इक्वल टू दे रखा है, मान लीजिए a b c, ठीक है। एंड a दे रखा है ये और b दे रखा है ये, तीन ही एलिमेंट ले लेता हूं क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, ए क्रॉस बी में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, ए का, एंड सेकंड एलिमेंट होगा बी का, यानी 1 a 1 b एंड 1 c। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ 2 a 2 b एंड 2 c एंड 3 a 3 b and 3 c, देन ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी का कार्तीय गुणांक, ठीक है। हिंदी में बोले तो ए से बी का कार्तीय गुणांक। अगर मैं बात करूं कि एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी, जिसमें एलिमेंट हैं 1 b 1 c एंड 1 d, तो क्या ये जो रिलेशन है वो ए से बी में हो सकता है, इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, क्योंकि भाई रिलेशन तभी पॉसिबल है जब ए से बी का संबंध, यानी कि अगर हम रिलेशन की बात करें तो वो जो फंक्शन है, यानी कि वो जो रिलेशन मिलेंगे उसमें जो एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट किस में होने चाहिए, किस में लाई करने चाहिए, वो एलिमेंट लाई करनी चाहिए ए क्रॉस बी में। तो भाई देखना 1 b लाई कर रहा है ए क्रॉस बी में, 1 c भी लाई कर रहा है ए क्रॉस में, क्या 1 d लाई कर रहा है इसमें ए क्रॉस बी में, क्या 1 d ए क्रॉस बी में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, देन इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इट इज नॉट पॉसिबल है। यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए से बी का रिलेशन क्या आ जाए 1 b 1 c 1 d, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में लाई करेंगे, ए में लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट किस में लाई करेंगे, बी में लाई करेंगे। अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि 1 b एंड बी 2 एंड सी 3, अगर ये कोई दे रखा है तो ये पॉसिबल है कि नहीं, भाई इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ए का एलिमेंट भाई जाहिर सी बात है, इसमें देखो क्या इसमें ये मिल रहा है, नहीं मिल रही, भाई ये तो मिल रहा है, ठीक है ये मिल रहा है, लेकिन क्या बी 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देन इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि रिलेशन क्या हो सकता है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बात हो गई रिलेशन की।
अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन संबंधों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। इसकी मेनली तीन प्रकार है, ठीक। मेनली कितने प्रकार है? तीन। सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध। इसका मतलब क्या है भाई? स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध यानी कि स्वयं से स्वयं का संबंध, यानी खुद से ही खुद का संबंध क्या होगा, खुद से ही खुद का क्या संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं भाई? अगर मान लिया मैंने एक कोई एलिमेंट है जो किस में लाई कर रहा है, एक ननन पटी सेट ए में लाई कर रहा है, ठीक है भाई। हमने ले लिया कि रिलेशन दे रखा है ए सॉरी आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में आर कोई क्या है, संबंध है। ए से बी में आर कोई संबंध है। अच्छा, इसमें कोई एलिमेंट मान लो, हम मान लेते हैं एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, या मान लीजिए वाई, जो भी मानना चाहे ये मान सकते हैं स्मॉल, क्योंकि हम जो एलिमेंट लेकर चलते हैं वो स्मॉल में लेकर चलते हैं, और जो सेट लेकर चलते हैं, जो सेट को हम नाम देते हैं, वो किसमें देते हैं, कैपिटल में देते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू किसमें लाई करेगा भाई, ए क्रॉस बी। एक्स कॉमा बी एक्स जो है वो किसमें लाई कर रहा है, ए कॉमा बी में लाई कर रहा है। देन ये किस में लाई करना चाहिए, यहाँ पे दियर एग्जिस्ट लिखते हैं, दियर एग्जिस्ट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देन इट विल बी बिलोंग्स टू किस में, रिलेशन में भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ये जो एलिमेंट है एक्स कॉमा एक्स, ये किस में लाई करना चाहिए, रिलेशन में लाई करना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो दोनों में लाई कर रहा है, ए में भी लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है। एक्स कॉमा एक्स किस में लाई करना चाहिए, रिलेशन आर में लाई करना चाहिए। और दूसरे रूप में यानी कि एक्स से एक्स का रिलेशन डिफाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, किसमें, इन टू आर, इस आर में जो है वो रिलेशन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो भाई ए क्रॉस बी निकालना है यहाँ से, या हमने ले लिया यहाँ पर रिलेशन आर, रिलेशन आर है, रिलेशन आर दे रखा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, ए से बी में कोई रिलेशन दे रखा है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, where a belongs to 1, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, a की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 और b की वैल्यू 1, 2, 3, 4। तो देखना भाई क्या इसमें for all x belongs to a and y x belongs to b, सभी के लिए x और x की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है ना भाई, a से b का रिलेशन है from a to b, तो भाई a के सारे एलिमेंट्स के साथ ये बन रहा है, नहीं, 1 के साथ 1 है, 1, 1, 2 के साथ 2, 2 है, ए भी है, 3 के साथ 3 है, इट इज विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ए से बी में ये आर संबंध हो सकता है। एंड इट इज कैसा होगा भाई, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं
अप्लाई कर रही है। ठीक है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो हमें एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, देन इट विल बी अ रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी रिलेशन कैसा हुआ है, स्वतुल्य। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव, कैसा बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि इसमें अगर फॉर ऑल ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हम बी टू ए लेते हैं, अगर मैं बात करूं कि ये जो रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए ए है, तो क्या ये पॉसिबल है, अगर मैं कहता कि ये जो रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए है और ये क्या स्वतुल्य संबंध हो सकता है, इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि भाई फॉर और बी कॉम बी टू ए की बात कर रहे हैं तो बी में एलिमेंट क्या आ रहा है 4, तो हमें 4.4 भी मिलना चाहिए, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव फ्रॉम बी टू ए। एंड ये तभी पॉसिबल है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सो फ्रॉम बी टू ए इसमें 4.4 भी आएगा। x के अगर मैं यहाँ पे b को हटाना चाहूँ तो हटा सकता, ठीक है, b को हटा दीजिए, तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि x कॉमा x है, यानी कि ये फॉर ऑल x बिलोंग टू a के लिए होना चाहिए, यानी कि भाई अगर मैं a से b के रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए भाई, 1.1 भी होना चाहिए, 2.2 भी होना चाहिए, एंड 3.3 भी होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम रिलेशन b टू a, b से a पर रिलेशन की बात करूँ, तो इसमें क्या करना चाहिए, 1.1, 2.2, 3.3 और 4.4। ठीक है, ये सारे एलिमेंट मिलने चाहिए, देन इट विल बी अ रिफ्लेक्शन रिलेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं दूसरी रिलेशन की ओर, जिसे हम कहते हैं सममित संबंध। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो इसको ऐसे भी बना लेते हैं, अगर x कॉमा y बिलोंग कर रहा है R में, then y कॉमा x बिलोंग करना चाहिए R में, then it will be a symmetric relation, ठीक है? तभी symmetric relation possible है। For example ले लेते हैं, relation of two parallel lines, yeah, parallel lines. दो समांतर रेखाओं का समुच्चय, दो समांतर या समांतर रेखाओं का समुच्चय,
समुच्चय। एक बात बताइए भाई, ये कोई लाइन होगी x, आपको चेंज करना, ये कोई लाइन होगी x, ये कोई लाइन होगी y, ठीक, ये कोई लाइन होगी x एंड ये कोई लाइन होगी y। अगर x पैरेलल है y के, अगर x पैरेलल है y के, क्या y पैरेलल होगी x के? भाई अगर x पैरेलल है y के तो क्या y पैरेलल होगी x के? ऑफ कोर्स होगी, ठीक है, y भी पैरेलल होगी x के, क्योंकि दो समांतर रेखा आपस में ही तो समांतर है, x पैरेलल है y, या इसका मतलब हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि y पैरेलल है x के, देन इट इज अ कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध, ठीक है, यानी अगर x और y किसी रिलेशन में लाई कर रहा है तो y x भी लाई करना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन a टू b की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई तीसरे रिलेशन की ओर, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव, यानी कि बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रामक संबंध, ठीक है, ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? कोई भी रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव कब पॉसिबल? कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब पॉसिबल है? तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब पॉसिबल है जब x कोमा y अगर लाई कर रहा है R में और y कोमा z भी लाई कर रहा है R में, then x कोमा z भी लाई करना चाहिए। आई थिंक बात समझ लो भाई, यानी कि अगर x कोमा y है और y कोमा z है R में, then क्या होना चाहिए? x कोमा z भी R में होना चाहिए, ठीक है, then it will be a ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक संबंध है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, इसमें हम तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा वही पैरेलल लाइंस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पैरेलल लाइंस, तीन लाइन खींची है एक्स वाई जेड, ठीक, तीन लाइन खींची है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक बात बताओ भाई, रिलेशन दे रखा पैरेलल है, x y की पैरेलल है और y z की पैरेलल है, x y की पैरेलल है और y z की पैरेलल है, तो क्या x y के x z की पैरेलल होगी? पर x भी तो z के पैरेलल होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी भाई, ये भी तो इसकी पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी? Then it is a कौन सा रिलेशन होगा भाई? It is a transitive relation, यानी कि ये एक कौन सा संबंध है? ये संबंध है कौन सा? Transitive, यानी कि संक्रामक। अगर मैं बात करता हूँ perpendicular line की, perpendicular line की बात करूँ तो ये मान लीजिए x है और ये है y, मान लो ये है z, ये जरूरी है आपस में परपेंडिकुलर हो? नहीं जरूरी है भाई, ये मान लिया मैंने x है और ये है मान लिया मैंने y, ये क्या है x and that is y, अगर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक, या फिर मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, क्या होना चाहिए भाई? ये जहाँ x y, यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए x पैरेलल है, परपेंडिकुलर है y के और y परपेंडिकुलर है z, ठीक, ये होना चाहिए। तो ये क्या लिया मैंने, x लिया और ये लिया y, और मैंने ले लिया ये z, ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने, z ले लिया,
एक बात बताओ भाई, एक्स भी परपेंडिकुलर है भाई, ये जो बीच वाला लिया है मैंने क्या है वाई, दोनों कंडीशन फॉलो होंगी, और वाई परपेंडिकुलर है जेड पर, तो क्या एक्स और जेड आपस में परपेंडिकुलर है? नो, ये क्या है भाई, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, यानी कि ये भाई परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर बन जाएगी, लेकिन भाई हर कंडीशन में ऐसा होना चाहिए, देन इट इज नॉट पॉसिबल, देन इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। आई मेरी बात समझ, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा एक और है जो इन तीनों का ही रूप है, एक और रिलेशन है जो इन तीनों का ही रूप है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मान लो ए से बी में आर कोई रिलेशन है, आर इज क्या होगा भाई, इक्विवेलेंस, यानी कि हिंदी में लिखा हूं भाई क्योंकि वर्ड वाले ज्यादा है, आर एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है, आर विल बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यदि कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ये कब पॉसिबल है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि आर स्वतुल्य हो, आर स्वतुल्य हो, सेकेंड कब हो सकता है, आर क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, यानी कि सिमेट्रिक, ठीक है, सममित, तीसरा क्या है भाई, हाँ तीसरा है ट्रांजिटिव, यानी बोले तो ट्रांजिटिव क्या कहते हैं भाई हिंदी में, ट्रांजिटिव को कहते हैं संक्रामक, यानी कि अगर कोई भी रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इट विल बी अ इक्विवेलेंस, यानी कि ये तुल्यता संबंध होगा। अगर कोई भी रिलेशन आर स्वतुल्य भी आ जाता है, सममित भी आ जाता है, और संक्रामक भी आ जाता है, तो वो एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो चलो भाई आज की पढ़ाई को हम यहीं विराम देंगे, और कल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलते हैं आज, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तो चलते हैं, नमस्कार एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।